कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब आप अपने हेल्पिंग हैंड यानी सिंगल फूड प्रोसेसर को घर ले आए हैं। ये प्रोडक्ट बेहतरीन टेक्निक और सर्वोत्तम गुणवत्ता से तैयार किया गया है। इसके स्मार्ट डिजाइन और इजी अटैचमेंट्स की वजह से आप बड़ी ही सरलता से इसे बरसों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके बहुत सारे किचन के मुश्किल कामों को मिनटों में कर देगा। अब आपका खाना बनेगा चुटकियों में, क्योंकि सारी तैयारी होगी इस फूड प्रोसेसर के सहयोग से। आइए देखें सिंगल फूड प्रोसेसर को इस्तेमाल करने का सही तरीका। यह है सिंगल फूड प्रोसेसर का पूरा सेट। इसमें आते हैं 14 अटैचमेंट्स। आइए जानते हैं इन सब के बारे में। यह है अनब्रेकेबल मल्टीपर्पज प्रोसेसर बाउल, ब्लेंडिंग जार, ड्राई ग्राइंडिंग जार, चटनी जार, फ्रूट फिल्टर, सिट्रस जूसर, सेंट्रीफ्यूगल जूसर, प्रोसेसिंग ब्लेड होल्डर। और यह है आपके सामने सभी प्रकार के ब्लेड्स, चॉपिंग ब्लेड, श्रेडिंग ब्लेड फाइन, श्रेडिंग ब्लेड कोर्स, स्लाइसिंग ब्लेड, फ्रेंच फ्राइज ब्लेड, कोकोनट श्रेडर, नीडिंग ब्लेड एंड विस्किंग ब्लेड। सिंगर के साथ आई सभी अटैचमेंट्स आपकी सुविधाओं और सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। आइए जानते हैं सिंगर की ओर से सेफ्टी के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं हमारे फूड प्रोसेसर में। सेफ्टी लिड, इसे यूं एडजस्ट करें। फिर प्रोसेसर बाउल पे लगे निशान को मशीन पे लगे निशान से यूं मैच करें और घुमाते हुए एडजस्ट करें। ये है बाउल लिड, इसे यूं एडजस्ट करें। लॉक होने पर एक क्लिक की आवाज आएगी। सेफ्टी लिड और बाउल लिड को पूरी तरीके से लॉक करने के बाद ही आप फूड प्रोसेसर को चला पाएंगे। तो है ना डबल सुरक्षा। ये है स्टेनलेस स्टील चॉपिंग ब्लेड, जो कि बहुत ही शार्प है, इसीलिए इसके साथ है ये प्लास्टिक कवर्स जो आपको और ब्लेड को रखेगा बिल्कुल सुरक्षित। ब्लेंडिंग जार को फिक्स करने के लिए पहले सेफ्टी लिड रिमूव कीजिए, फिर जार पे दिए गए निशान के अनुसार इसे यहाँ लगाएं, और जैसा कि आपने अभी देखा जब तक लिड लॉक नहीं होगा तब तक ब्लेंडिंग जार भी नहीं चलेगा। और हाँ, कभी भी ब्लेंडिंग जार और प्रोसेसिंग जार को एक साथ ना चलाएं, इससे ओवरलोडिंग होने का खतरा है। लेकिन कभी गलती से भी ऐसा हो जाए तो इस अप्लायंस के बेस में एक रीसेट का बटन है। जब यह अप्लायंस ज्यादा गर्म हो जाए तो अपने आप बंद हो जाएगा। ऐसी स्थिति में 2-3 मिनट के अंतराल के बाद आप इसे दोबारा चला सकते हैं। दोबारा चलाने के लिए अप्लायंस के नीचे दिए गए रीसेट बटन को एक बार फिर दबाएं। जानते हैं कि सिंगल फूड प्रोसेसर हमारी किचन में हमारा हेल्पिंग हैंड कैसे बनेगा। सभी अटैचमेंट्स के इस्तेमाल के लिए आपको मोटर स्पीड कंट्रोल यानी हल्के या तेज गति का नियंत्रण करना होगा, और ये आप करेंगे इस नॉब की सहायता से। अपने सिंगल फूड प्रोसेसर के साथ मिलने वाले सभी ब्लेड्स को तो आप देख ही चुके हैं, लेकिन इन्हें इस्तेमाल करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी इस ब्लेड होल्डर की। तो अपनी जरूरत के मुताबिक ब्लेड चूज कीजिए, यहाँ रखिए और इसे फिक्स कर दीजिए। अब प्रोसेसिंग जार में इसे लगाएं, फिर कवर को लगाएं। है ना काफी आसान। साग, पालक और अन्य पत्तेदार सब्जियां काटे सिर्फ सेकंडों में। ये देखिए,
अगर आपको एक ग्रेवी की तैयारी के लिए प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना हो तो वो बड़ी ही आसानी से आप बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज्यादा पेस्ट बनाना हो तो वो भी सिर्फ उतने ही समय में तैयार हो जाएगा। आपको हाथ से गोभी कसने की कोई जरूरत नहीं। ये देखिए, इससे गोभी के पराठे बनाना भी है कितना आसान। ये ब्लेड टमाटरों की प्यूरी बनाता है एकदम झटपट से। यही नहीं, आप झटपट मसाला तैयार कर सकते हैं, यानी कि कोई भी करी बनाने में ना तो आपको वक्त लगेगा और ना ही मेहनत। बस जरूरत अनुसार इसकी स्पीड बढ़ाइए और एकदम फाइन प्यूरी पाइए। जानते हैं, केक बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है बैटर। अब सिंगल फूड प्रोसेसर की सहायता से आप रोज घर पे केक्स और ब्रेड बना सकते हैं। और ये है नीडिंग ब्लेड। चपाती, पूरी, नान के लिए आटा गूंदने जैसे कठिन कामों को ये बहुत ही सरलता से कर देता है। और तो और ये हाइजीनिक भी है। इसमें गूंदा हुआ आटा आपके हाथ से गूंदे हुए आटे से ज्यादा स्वच्छ होता है। एक और टिप, आटा अच्छी तरीके से गूंदा जाए इसके लिए बाउल में हर तरफ थोड़ा सा तेल लगाएं और फिर आटा डालें। बाद स्पीड 1 पर इसे चलाएं, साथ ही फूड पुशर से आवश्यकता अनुसार पानी डालें। अब आप इसकी स्पीड बढ़ाएं, थोड़ा और घुमाकर इसे बंद कर दें। यदि आटा नरम लगे तो थोड़ा और आटा डालकर गोले को फिर से घुमा लें। और ये सब आप करेंगे 2-3 मिनटों में, और वो भी बिना मेहनत के। एक बार में लगभग आधा किलो आटा गूंद जाएगा, यानी 12 से 15 रोटियां बनाएं। जैसा कि आप जानते हैं, कटलेट्स या चिकन नगेट्स बनाने के लिए ब्रेड का चूरा जब तक पूरी तरीके से बारीक ना हो मजा नहीं आता। आलू मैश करने के लिए अब आपको मेहनत करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हो गया ना आलू का पराठा बनाना और भी ज्यादा आसान। सैलेड बनाने के लिए सभी प्रकार की सब्जियों की चॉपिंग के साथ साथ ड्रेसिंग बनाने के लिए भी ये बहुत सहयोगी है। अब आप हर तरीके की ड्रेसिंग और मेयोनीज घर पर ही तैयार कर सकते हैं। जब मटर छीलने में समय नष्ट ना करना हो तो एक मुट्ठी भर मटर जाल में डालिए और छीले मटर पानी में डालकर मटर के दानों को छिलकों से अलग पाइए।
आप क्रीम की विपिंग या मक्खन मथने जैसे कठिन कामों को बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे। अब देखें सिंगल फूड प्रोसेसर का सबसे ज्यादा उपयोगी ब्लेड यानी स्लाइसिंग ब्लेड। स्लाइसिंग कुकुम्बर, पोटैटोस एंड कैबेज। अब आप हर रोज सलाद के लिए खीरा, गाजर, मूली, चकुंदर आदि के स्लाइसिंग चंद सेकंडों में करेंगे। अब आप आसानी से आइस क्रश करके घर में ही हाइजीनिक आइस लोलीज बनाकर बच्चों को गर्मियों में रखें एकदम खुश। यानी कीमा बनाने के लिए हमारे पास है स्टेनलेस स्टील डबल ब्लेडेड नाइफ जो सेकंडों में ही मटन को कीमा बना देगा। अब आप अपने मनपसंद कबाब बनाएं या किसी भी तरीके के कटलेट्स। गाजर का हलवा बनाना तो आसान है, पर मेहनत तो सबसे ज्यादा लगती है गाजर को कसने में। अब इसका भी समाधान है हमारे पास। ये देखिए सिंगर के फूड प्रोसेसर के दो श्रेडिंग ब्लेड्स। ये है श्रेडिंग ब्लेड फाइन यानी बारीक श्रेडिंग करने के लिए। इसे आप गाजर का हलवा आसानी से तैयार कर सकते हैं। फ्राइड राइस या चाइनीज नूडल्स बनाने के लिए गाजर, शिमला मिर्च को थोड़ा मोटा काटना हो तो वो भी आप आसानी से अपने हिसाब से काट सकते हैं। अपनी जरूरत के हिसाब से चुनिए फाइन या कोर्स श्रेडिंग ब्लेड्स। हलवा और मिठाइयों में डालने के लिए सूखा मेवा जैसे पिस्ता, बादाम, काजू या नारियल को आप आसानी से श्रेड कीजिए। और यही नहीं, अपने पसंद के अनुसार छोटा या बड़ा साइज का श्रेडिंग कीजिए। अब आप एक सॉफ्ट और फ्लफी ऑमलेट एंजॉय कर सकते हैं बिना किसी झंझट के। प्रोसेसर के साथ मिले फ्रेंच फ्राइज ब्लेड से आप अपने फेवरेट फ्रेंच फ्राइज घर पर ही बना सकते हैं और कितनी भी मात्रा में। इस ब्लेंडिंग जार में आप डोसा, वड़ा, इडली का घोल या अन्य दाल चावल का घोल बिना किसी प्रयत्न के बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। कोई भी दूसरा ग्राइंडिंग फंक्शन जो आप अपने मिक्सर ग्राइंडर में करते हैं उसे भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मैंगो क्रश या चॉकलेट शेक, स्ट्रॉबेरी स्मूदी या चीकू शेक या अपना फेवरेट शेक हो और भी मजेदार बनाइए सेकंडों में। आप इस जार में मिक्सर के अन्य काम भी कर सकते हैं। आजकल बाजार में सारे मसालों में काफी मिलावट होती है, तो अब आप इस मिलावट से भी बच सकते हैं। सभी जरूरत के मसालों को घर पर ही पीसकर रख सकते हैं। काली मिर्च, गरम मसाला, लाल मिर्च, जीरा या धनिया, जो भी मसाला चाहें आप इसे घर पर ही तैयार कर सकते हैं। यही नहीं, इसमें आप हर किस्म के ड्राई ग्राइंडिंग को भी कर सकते हैं। हर प्रकार की चटनी, चाहे हरे धनिये की चटनी हो या नारियल की इडली वाली चटनी या अन्य कोई भी चटनी, बड़े आराम से सिंगर के चटनी जार में बनाइए।
जैसे कीनू, मौसमी या संतरे का रस पूरी तरीके से बिना किसी वेस्टेज के आसानी से रोज पाइए। और हाँ, हर बार नींबू पानी बनाने के लिए नींबू निचोड़ने की मेहनत से भी बचिए। सिट्रस जूसर के साथ नींबू पानी बन जाएगा आपका फेवरेट ड्रिंक। हेल्दी और ताजा गाजर या दूसरी सब्जियों और फलों के जूसेस का हर दिन सेवन करें बिल्कुल आराम से, क्योंकि अब आपके पास है सिंगर के सेंट्रीफ्यूगल जूसर का साथ। आपके ब्लेंडिंग जार में है एक और अटैचमेंट यानी फ्रूट फिल्टर। इसके जरिए आप तरबूज, अनार, लीची, पाइनएप्पल जैसे फलों का भी जूस निकाल सकते हैं। इससे आप पाएंगे पूरा जूस बिना किसी बीज के। ये अनब्रेकेबल प्रोसेसर बाउल ज्यादा इस्तेमाल होने पर भी किसी भी तरीके की दुर्गंध नहीं छोड़ता। और हाँ, कभी किसी कारण से ये आपके हाथ से छूट जाए तो इसके टूटने का भी कोई डर नहीं। ये सब कुछ और बहुत कुछ मुमकिन है सिंगर के शक्तिशाली 600 वॉट की मोटर के साथ। इतना ही नहीं, आप सालों साल इसे बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सिंगर फूड प्रोसेसर की मोटर आती है 5 साल की वारंटी के साथ। और एक बात, सभी अटैचमेंट्स चाहे प्लेट्स हो या जार, सिर्फ इस्तेमाल करना ही नहीं उनको साफ करना भी है उतना ही आसान। इस्तेमाल करने के बाद बिना किसी स्ट्रगल के सिर्फ एक बार पानी से रिंस करने की जरूरत है। तो चलिए शुरू हो जाइए हर प्रकार के इस्तेमाल के लिए। अब आपका हेल्पिंग हैंड यानी आपका हथियार आपके साथ है। अब आपको किचन से हो जाएगा और भी ज्यादा प्यार। ये आपका समय और एनर्जी दोनों बचाएगा जो बिताएंगे आप अपने परिवार के साथ।